नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पिरेशन आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज है 12 अगस्त 2023 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स ऑफ हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड पीआईबी। सो आज का हमारा पहला न्यूज है इंटीग्रेशन ऑफ नाविक विद आधार इनरोलमेंट डिवाइस से रिलेटेड। तो नाविक, जैसे आप सभी को मालूम है, ये हमारा इंडियन नेविगेशन सिस्टम है। इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसको नाविक भी बोला जाता है। और नाविक को आधार के इनरोलमेंट डिवाइसेस से इंटीग्रेट किया जाएगा। क्या है, थोड़ा समझते हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहले न्यूज़ ये है कि द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हैज टोल्ड द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट द नाविक इज गोइंग टू बी इंटीग्रेटेड इनटू आधार इनरोलमेंट डिवाइसेस। सो इससे फायदा क्या होगा, अगर नाविक के बारे में समझा जाए तो नाविक आर द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट्स, जो लगभग इसमें 7 सैटेलाइट का एक कॉन्स्टलेशन है एंड इट इज ए नेटवर्क ऑफ ग्राउंड स्टेशन ऑपरेटिंग जो 24/7 ये इंटीग्रेटेड है। एंड देयर आर टोटल ऑफ अराउंड 8 सैटेलाइट्स, हाउएवर ओनली 7 रिमेन्स एक्टिव। 8 तो है बट 7 ही एक्टिव है। 3 सैटेलाइट्स इन द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एंड 4 इन द जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। मीन्स अगर 3 सैटेलाइट्स देखा जाए तो 3 जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है एंड 4 जो है वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है। लगभग इस तरह के कॉन्स्टेलेशन में ये मूव करते हैं। एंड द कॉन्स्टेलेशन फर्स्ट सैटेलाइट दैट इज IRNSS-1A वॉज लॉन्च ऑन 1 July 2013 एंड द 8th सैटेलाइट IRNSS-1I वॉज लॉन्च इन April 2018 एंड इट इज फुल्ली अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमें किसी भी दूसरे गवर्नमेंट को हमें कोई पैसे या कोई रेंट वगैरह देने की जरूरत नहीं है, जो हम GPS में करते हैं। GPS अमेरिका का सैटेलाइट है एंड वी इंडियंस यूज टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू द अमेरिकन नेविगेशन सैटेलाइट्स। सो नाविक हमारा अपना है, इंडियन है, और इसको हम अपने अपने चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं जिसका फुल कंट्रोल इंडियन गवर्नमेंट के पास होती है। सो मर्जर क्या है, मतलब हाउ, व्हाट आर द न्यूज़ रिगार्डिंग दैट इंटीग्रेशन ऑफ दोस आधार इनेबल्ड डिवाइसेस। नीड क्या है, करेंटली द आधार इनरोलमेंट किट्स दैट आर यूज टू कलेक्ट एंड वेरीफाई पर्सनल डिटेल्स आर लिंक टू GPS। अभी जो आधार का जो डिवाइसेस है जिसको जो लिंक किया जाता है वो GPS से लिंक्ड है। और रिसेंटली द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हैज कंडक्टेड सक्सेसफुल फील्ड ट्रायल एंड इज प्रोवाइडिंग टेक्निकल एक्सपर्टीज फॉर द फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोक्योरमेंट स्पेसिफिकेशन फॉर द डिवाइसेस एंड ओवरऑल द इंटीग्रेशन ऑफ नाविक इनटू द आधार इनरोलमेंट डिवाइसेस विल इनहेंस नेविगेशन एक्यूरेसी एंड प्रोवाइड बेटर डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो ये बेटर डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज में हेल्प करेगा। और इसका इंटीग्रेशन होने से एक तो देखिए ये डाटा हमारे पास खुद के पास रहेगा और ये लगभग बहुत ज़्यादा प्रिसाइज डाटा GPS लोकेशन देगा। दूसरा सिग्निफिकेंस ये है कि नाविक इंटीग्रेशन विल इनहेंस द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ दिस डिवाइसेस। सो हाउ नाविक विल इंश्योर डाटा प्रोटेक्शन, ऑब्वियस बात है, जैसे आपको मालूम होगा कि GPS अगर डाटा लेता है तो कहीं ना कहीं अमेरिका उसको देखता होगा या यूज़ करता होगा, स्टोर करता होगा, वो तो है ही कन्फर्म। तो नाविक क्योंकि हमारा अपना है तो डाटा हमारे पास अपना होगा। और डाटा प्रोटेक्शन बिल लॉन्च मतलब पास होने के बाद लगभग यही है कि डाटा शुड बी फॉर विद इन अस सो दैट हमारे आधार का जो डाटा है किसी और के पास ना जाए। नाविक ऑफर टू टाइप्स ऑफ सर्विसेज, एक तो जैसे मालूम होगा स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज जो सिविलियन यूजर्स यूज करेंगे और एक होता है रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज जो स्ट्रेटेजिक यूजर्स जैसे कि हमारे डिफेंस फोर्सेस और इसके जो 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 इसमें इंट्रोल्ड किए होंगे या गवर्नमेंट से जो जिन्होंने सर्विसेज ली होगी दैट इज अ रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज। दिस टू सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन बोथ L5 एंड S बैंड। ठीक है, एंड नाविक कवरेज एरिया इंक्लूड इंडिया एंड लगभग 1500 किलोमीटर बियॉन्ड द इंडियन बाउंड्रीज। एक बार क्वेश्चन भी आया था UPSC का कि रेंज क्या है, दैट इज 1500 किलोमीटर्स। न्यूअर सैटेलाइट्स विल हैव एन एडिशनल बैंड कॉल्ड L1 दैट विल बी कंपैटिबल विद द सिविलियन यूजर्स। नेक्स्ट, प्रेजेंट नाविक यूजर्स कौन 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 है, तो एक तो अभी रिसेंटली जो है दैट इज द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी NDMA वॉज ऑलरेडी यूजिंग द नाविक एज एन अलर्ट डिसेमिनेशन सिस्टम फॉर मेजर नेचुरल डिजास्टर लाइक लैंड स्लिप्स, अर्थक्वेक, फ्लड एंड एवलांचेस। ठीक है, अभी NDMA इसको यूज कर रही है। दूसरा, द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये लोग भी यूज़ कर रहे हैं, रिलाइज ऑन नाविक टू ब्रॉडकास्ट साइक्लोन, हाई वेव्स एंड सुनामी अलर्ट मैसेज टू फिशरमैन वेंचरिंग टू द डीप सी। तो अभी ये सिर्फ दो एजेंसियां हैं जो इस डाटा का यूज़ कर रही है। सो दिस इज रिगार्डिंग द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट एंड देयर इंटीग्रेशन विद द आधार इनेबल्ड डिवाइसेज। चलिए अपने अगले न्यूज पर चलते हैं। अगला अपना जो न्यूज़ है दैट इज द हेलासेल। रिसेंटली हेलासेल
क्या है पहले ये समझ ले, हेला सेल इज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइन ऑफ ह्यूमन सेल रिकवर्ड फ्रॉम ए ह्यूमन सफरिंग फ्रॉम कैंसर हैज हेल्प वेरियस रियल्म्स ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी एंड मेडिकल प्रोग्रेसेस। थोड़ा समझते हैं, लॉट टू नो अबाउट दिस वन। सबसे पहले हेला सेल क्या बोलते हैं, अनवेलिंग द अननोन। इन 1951 हेनरिक लैक वॉज डायग्नोस्ड विद सर्वाइकल कैंसर एंड अंडरवेंट ए टिश्यू बायोप्सी एट जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल, ये अमेरिका की है। एंड पायनियरिंग फेनोमेना ये हुआ है कि फ्रैक्शंस ऑफ लैक ट्यूमर सेल्स हेला सेल्स डिस्प्लेड एन एक्सेप्शनल ट्रेट्स द एबिलिटी टू परपेचुअली डिवाइड एंड मल्टीप्लाई इन द लेबोरेटरी कंडीशंस। मतलब लेबोरेटरी कंडीशंस में भी ये सेल क्या अपने आप को रेप्लीकेट कर रहे थे या डिवाइड कर रहे थे। अब ये कैसे हो सकता है, बॉडी के बाहर कैसे कोई सेल डिवाइड कर रहा है। सो डिस्टिंक्टिव एट्रीब्यूट्स ऑफ द हेला सेल ये कैसे हुआ, एंडलेस प्रोलीफरेशन। अनलाइक टिपिकल ह्यूमन सेल दैट हैव इनफाइनाइट लाइफ स्पैन, हेला सेल डिस्प्लेड कंटिन्यूअस डिवीजन इनेबलिंग देयर परपेचुअल ग्रोथ। एंड दिस प्रॉपर्टी रिवोल्यूशनाइज रिसर्च बाई ऑफरिंग ए कंसिस्टेंट एंड एडेप्टेबल मीडियम फॉर एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो क्योंकि ये सेल बाहर में लैब कंडीशन में भी डिवाइड कर रहे हैं, तो इसके लिए हो सकता है दे विल प्रोवाइड ए न्यू एवेन्यूज फॉर द रिसर्च। एबिलिटी फॉर साइंटिफिक प्रोग्रेस क्या है, पोलियो वैक्सीन। हेला सेल प्लेड अ पिवोटल रोल इन कल्टिवेटिंग द पोलियो वायरस, फैसिलिटेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ द पोलियो वैक्सीन। तो पोलियो वायरस को ये डेवलप कर सकते हैं और पोलियो वैक्सीन आराम से बनाया जा सकता है। दूसरा, कैंसर रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं हेला सेल। हेला सेल फ्यूल्ड इनसाइट इनटू द कैंसर बायोलॉजी, हेल्पिंग इन टेस्टिंग ट्रीटमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग डिजीज मैकेनिज्म। तो ये डिजीज़ कैसे फैलता है एक सेल से दूसरे सेल में, ये भी हमें हेल्प करेगा। जेनेटिक इनसाइट के बारे में ये बोला जाए कि दिस सेल्स वेयर द फर्स्ट ह्यूमन सेल्स टू बी क्लोन्ड एंड डीपनिंग और ग्रास्प ऑफ जेनेटिक एंड सेलुलर बायोलॉजी, ये भी हेल्प करेगा। थर्ड जो है ड्रग टेस्टिंग, ड्रग टेस्टिंग के लिए हेला सेल काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि ये बॉडी के बाहर है तो किसी इंडिविजुअल को तो कोई हार्म नहीं हो रहा। देन हेला सेल रिवोल्यूशनाइज ड्रग टेस्टिंग, हेल्पिंग इन ड्रग डेवलपमेंट एंड असेसिंग सेफ्टी प्रोफाइल। एंड लास्ट दैट इज द स्पेस एक्सप्लोरेशन, देयर जर्नी एक्सटेंडेड टू स्पेस कंट्रीब्यूटिंग टू द अंडरस्टैंडिंग द सेलुलर बिहेवियर इन माइक्रोग्रेविटी। माइक्रोग्रेविटी में सेल कैसे बिहेव करेगा इसके बारे में भी हम लोग समझ सकते हैं थ्रू द हेला सेल्स। तो ये एक ऐसा सेल है जो साइंटिफिक डिस्कवरी या साइंटिफिक रिसर्च के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट, एथिकल डायलेमा क्या है। अब जाहिर सी बात है इसमें कुछ एथिकल डायलेमा भी होगा क्योंकि अब एक सेल के संग हम लोग ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे। सो इन्फॉर्म्ड कंसेंट एब्सेंस, हेला सेल्स यूज विदाउट हेनरिटा लैक कंसेंट रेज एथिकल कंसर्न स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेडिकल एक्सपेरिमेंट ऑन द अफ्रीकन अमेरिकन पेशेंट्स। दूसरा, पेशेंट राइट्स एंड एक्नॉलेजमेंट, डिस्कशन इमर्ज अबाउट पेशेंट राइट, इक्विटेबल कॉम्पेंसेशन एंड द एक्नॉलेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल हुज कंट्रीब्यूशन फ्यूल साइंटिफिक प्रोग्रेसेस। तो आप जो आदमी या जो इंडिविजुअल्स ये सेल देगा तो उनको कैसे कंपेंसेट किया जाएगा, क्या होगा, इसके बारे में अभी भी चीज़ें चली रही है, डिस्कशंस वगैरह गेटिंग इट। तो दिस इज रिगार्डिंग द हेला सेल्स। तो हेला सेल आर दो सेल्स विच हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट एबिलिटी टू डिवाइड। चलिए अपने अगले न्यूज़ पे चलते हैं। अपना अगला जो न्यूज़ है, तकाकिया मींस तकाकिया हैज़ बीन सर्वाइव फॉर मिलियंस ऑफ इयर्स इज नाउ थ्रेटन्ड बाय क्लाइमेट चेंजेस। तो तकाकिया क्या है और कैसे ये इसका जो मतलब एग्जिस्टेंस है थ्रेट में, एंड इट इज़ ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। कहा यह जा रहा है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स ये सर्वाइव किया ये, बट रिसेंटली दे आर इन डेंजर। तो ये तकाकिया है कि पहले ये समझ लेते हैं। तकाकिया इज बेसिकली ए मूस, इट इज़ अ रेयर जीनस ऑफ मूस दैट अडॉप्टेड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स टू लाइफ एट हाई एल्टीट्यूड। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड में ये मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफ जी चुका है। अपियरेंस व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस इट लुक लाइक्स अ लेटर ऑफ मूस और ग्रीन एल्गी ऑन द रॉक वेयर इट ग्रोज, बट क्लोजर इंस्पेक्शन वुड रिवील स्लेंडर टॉफ अराउंड 1 सेंटीमीटर इन लेंथ विथ एन अरेंजमेंट ऑफ शॉर्ट फिंगर लाइक लीव्स। ठीक है, देखने में तो ये मतलब एक लेयर टाइप का लगता है, बट ये अगर माइन्यूट देखा जाए तो ये एक तरह की ये टफ लाइक स्ट्रक्चर 1 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ दिखेगा इसमें। इट इज़ अ जीनस दैट हैज ओनली 2 स्पीसीज, लेपिडो जोइडिस एंड टी केराटोफाइला, एंड बोथ ऑफ देम आर फाउंड टुगेदर ओनली इन टिबेटियन प्लेटू। ये सारे दोनों टिबेटियन प्लेटू में ही मिलते हैं। इट हैज़ डेवलप्ड द एबिलिटी टू सर्वाइव फ्रॉस्ट, लाइफ थ्रेटनिंग यूवी रेडिएशन एंड अदर हजार्डस कंडीशन। तो ये सस्टेन कर सकते हैं। एंड इट कम्बाइंड फीचर्स फाउंड इन मोसेस, लिवरवर्ट एंड ग्रीन एल्गी। तो इनका जो फीचर्स आपको लिवरवर्ट और ग्रीन एल्गी में भी मिलता है। इट इज़ अ मोस दैट सेपरेटेड फ्रॉम अदर मोसेस दैट इज 390 मिलियन ईयर्स अगो, नॉट लॉन्ग आफ्टर द फर्स्ट लैंड प्लैनेट्स इवॉल्व। मतलब आप समझ लो कि जब पहला लैंड प्लैनेट्स इवॉल्व हुआ था उससे कुछ समय पहले के ही है ये। ठीक है,
सो दैट इज रिगार्डिंग द तकाकिया मोसेस। चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं। अपना अगला जो न्यूज है, इरांडेल और रिसेंटली जेम्स वेब टेलीस्कोप हैज रिवील्ड इंपॉर्टेंट डिटेल्स अबाउट इरांडेल द फार वे सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, तो इस ये आपको दिख रहा है इरांडेल और इट इज ए फार वे सेलेस्टियल बॉडीज। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप की एक नई डिस्कवरी, थोड़ा समझते हैं ये क्या है। इरांडेल इट इज ए स्टार डिस्कवर्ड बाय द हबल स्पेस टेलीस्कोप इन 2022 एंड इट इज द मोस्ट डिस्टेंट एंड अर्लीस्ट नोन स्टार। इट इज ए मैसिव बी टाइप स्टार दैट इज मोर देन ट्वाइस और हॉट एज अवर सन, मतलब हमारे सूरज से ट्वाइस दुगना गर्म और आप कह सकते हो दुगना गर्म है एंड अबाउट अ मिलियन ऑफ मिलियन टाइम्स मोर ल्यूमिनस, मतलब एक मिलियन टाइम्स ज़्यादा ये ल्यूमिनस है, चमकीला है, मतलब जाहिर सी बात है। इट इज़ लोकेटेड इन द सनराइज आर्क गैलेक्सी एंड इज अराउंड 12.9 बिलियन ईयर्स है, वो इतना दूर है हमारे हमसे। बोथ वेब एंड हबल वेयर ओनली एबल टू डिटेक्ट इट ड्यू टू नेचुरल फेनोमेना कॉल्ड ग्रेविटेशनल लेंसिंग। जाहिर सी बात है ग्रेविटेशनल लेंसिंग के थ्रू ये जेम्स वेब टेलीस्कोप इसको देख पाया है, नहीं तो पॉसिबल नहीं होता क्योंकि 12.9 मिलियन ईयर्स है वो, वहाँ तक लाइट आने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसकी डिस्कवरी भी अधिकतर दिक्कत होती, बट इट इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल लेंसिंग इसकी जो लाइट हमारे तक पहुँच रही है, वी कैन डिस्कवर सी द इमेजेस। So the star happened to be aligned behind a wrinkle in space-time created by the galaxy cluster WHL-013708, which is located between us and Irandel. So, एक बीच में galaxy है, that is the WHL-013708. और इसके through ही हमें ये क्या हो रहा है, gravitational lensing हो रही है, जिससे हमें दिखाई दे रहा है ये चीज़। So that is regarding the Irandel. थोड़ा और ग्रेविटेशनल लेंसिंग, जैसे आप लोगों को मालूम होगा ग्रेविटेशनल लेंसिंग इज बेसिकली ए लेंस लाइक एक्टिविटीज विच इज़ डन ड्यू टू सम ग्रेविटेशनल फील्ड। सपोज करिए ये कोई गैलेक्सी है और इसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट है लोकेटेड है और ये मान लीजिए ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर को ये जो इमेज दिखेगा, क्योंकि आमतौर पर नहीं दिखना चाहिए क्योंकि इससे ब्लॉक हो जाएगा, बट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फील्ड ये इस तरह से लेंस की तरह काम करता है ये चीज़ है और हमें इमेज यहाँ दिखती है, तो मतलब ये जो ऑब्जर्वर है तो दे वी कैन सी द इमेज लाइक हियर। तो ये आपको जो दिख रहा होगा ये सोर्स है, ये मंस ये लेंस की तरह काम कर रहा और ये ऑब्जेक्ट ऐसे करके, तो ये इमेज यहाँ पर दिख रहा होगा, ये दो इमेज दिखता है ग्रेविटेशनल लेंसिंग के चलते। तो ऑब्जेक्ट चीज़ें तो एक ही होती है बट दिखता दो है ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल लेंसिंग। होप आपको समझ में आया होगा। एंड इट ऑकर्स, ये सेम वैसा ही कुछ होता है जैसे कि पानी में कोई भी चीज़ जो आप मान लीजिए कोई टब है, टब के अंदर में कुछ जब में पानी भरा हुआ है और कोई ऑब्जेक्ट नीचे रहती है और अगर हम ऊपर से देखते हैं तो ये चीज़ थोड़ी ऊपर दिखाई देती है, इट इज़ ऑल्सो लाइक दिस। तो यहाँ तो हमें इमेज एक ही दिखती है बट यहाँ पर ग्रेविटेशनल लेंसिंग के थ्रू दो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। होप आपको समझ में आया होगा चीज़ें। कमेंट में आप लिख के बताइए कि जो बच्चे जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं काइंडली एक लिख के बताइए कि आखिर ग्रेविटेशनल लेंसिंग की डिस्कवरी किसने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल लेंसिंग ऑकर्स व्हेन ए मैसिव सेलेस्टियल बॉडी सच एज गैलेक्सी क्लस्टर कॉज ए सफिशिएंट कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम फॉर द पाथ ऑफ लाइट अराउंड इट टू बी विजिबली बेंट एज इफ बाय ए लेंस। द बॉडी कॉजिंग द लाइट टू कर्व इज अकॉर्डिंगली कॉल्ड ग्रेविटेशनल लेंस एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस लेंसिंग डिस्टॉर्शन इज मैग्निफिकेशन अलाउिंग अस टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट्स दैट वुड अदरवाइज टू फार अवे एंड टू फेंट टू बी सीन, मतलब बहुत दूर की भी चीज़ें हमें दिखाई दे सकती है। So that is regarding the gravitational lensing. So that's all for today. आज के लिए इतना ही in daily news analysis. And if you want the PDF lecture of this video, then you can always visit our Telegram channel. That is @inspirationis. And you can also follow our social media page like Facebook, Instagram, and YouTube channel for such other video contents. We have also started our UPSC and other state PCS foundation batches, both in online as well as offline formats. So for offline format, you can contact our center in this particular city, and for online, you can call in this number. It is an All India helpline number. And please do subscribe to our YouTube channel and our Facebook page for such other video contents. Thanks for watching. Please do take care of yourself.